दोस्तों, अपने जीवन में एक महिला कई रिश्तों और अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें सबसे खूबसूरत अवस्था होती है एक माँ बनने की, जो आम जनता के साथ साथ बॉलीवुड और टीवी जगत की मशहूर हस्तियों के लिए भी उतने ही मायने रखती है, जो लाजमी भी है। एक औरत के पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, फिर चाहे वो कितने ही सफल मुकाम को हासिल क्यों ना कर ले, पर एक बच्चे का सुख उसे किसी भी चीज से नहीं मिल सकता, जिसमें हमारे टीवी इंडस्ट्री के कुछ कलाकार काफी ज्यादा लकी हैं, क्योंकि इस साल 2021 में माता पिता बनने का सुख पाने जा रहे हैं। इसीलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सितारों से रूबरू करवाने वाले हैं जो इस साल पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। अगर आप इन सितारों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देरी किस बात की वीडियो की शुरुआत करते हैं और रूबरू होते हैं टीवी के उन कलाकारों से। नंबर वन, कृतिका सेंगर। पुनर्विवाह और कसम तेरे प्यार की जैसे एक से बढ़कर एक शोज देखकर सभी की चहेती अभिनेत्री बनने वाली कृतिका सेंगर आज अपने करियर को विराम दे चुकी हैं, जिनके इस विराम की वजह इनकी निजी जिंदगी है। जी हां, इन्होंने साल 2014 में अभिनेता निकितन धीर के साथ शादी की थी, जिसके चलते अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान ना देने की वजह से इन्होंने काफी समय पहले ही अपने करियर को ब्रेक दिया था। जहां अब खबरें आ रही हैं कि दोनों शादी के 6 साल बाद इस साल अपने घर में एक नन्हे सदस्य को जन्म देने वाले हैं। नंबर दो, पूजा बनर्जी। टीवी के लोकप्रिय शो देवों के देव महादेव में माता पार्वती के किरदार को निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री पूजा बनर्जी और टीवी एक्टर कुणाल वर्मा जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। हालांकि इन दोनों ने साल 2020 में मार्च के महीने में कोर्ट मैरिज कर ली थी और धूमधाम शादी रचाने वाले थे, पर कोरोना महामारी की वजह से इन्हें अपनी शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। और इन दिनों पूजा बनर्जी भी प्रेग्नेंट है, जिनका 7वां महीना चल रहा है, और इसके मुताबिक देखा जाए तो साल 2021 में फरवरी के महीने में ये माता पिता बन जाएंगे। नंबर तीन, आदिति शिरवाईकर। इस कड़ी में एक नाम अभिनेत्री आदिति का भी शामिल है, जो करीबन 10 साल तक मोहित मलिक के साथ शादी के बंधन में रहने के बाद इस साल अपने घर में एक नए मेंबर को वेलकम करने की तैयारी में है। जी हां, शादी के 10 साल बाद मोहित मलिक और अदिति पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसकी खुशी इन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की, जिसमें अपनी बेबी बम को काफी अच्छे से फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही है। नंबर चार, नीति टेलर। दोस्तों, हमें 2020 में कई टीवी स्टार्स और अब बॉलीवुड स्टार्स की शादियां देखने को मिली, जिनमें से एक अभिनेत्री नीति टेलर हैं, जिन्होंने 13 अगस्त 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड परीक्षित बावा से शादी की, जिनकी इस शादी को यूं तो अभी काफी ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ, पर लगता है कि नीति टेलर और उनके हस्बैंड को ज्यादा ही जल्दी है पेरेंट्स बनने की, और इसी तैयारी में तभी तो ये शादी के कुछ समय बाद ही जल्द ही दोनों एक बच्चे के माता पिता बनने वाले हैं। नंबर पाँच, पारुल चौहान। इस कड़ी में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री पारुल चौहान का, जिन्होंने विदाई और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसी सीरियल्स में अपने अभिनय से सभी को अपना दीवाना बनाया है, जिसके बाद अपने करियर में सफल होने के बाद इन्होंने साल 2018 में अभिनेता चिराग ठक्कर के साथ शादी करके अपना घर बसाया है, जिनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, और लगता है कि पारुल चौहान और उनके पति चिराग ठक्कर ने साल 2021 को अपने बच्चे के स्वागत के लिए चुन लिया है, तभी तो ये दोनों इस साल पेरेंट्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से किसके घर में जल्द ही एक बच्चे की किलकारी गूंजते हुए देखना चाहते हैं? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।